अहम तरीन शख्सियत का इमरान खान को पैगाम, पूरे मुल्क में इलेक्शन की गारंटी, कप्तान भी मान गया, पीडीएम का डरावना ख्वाब सच, आरिफ हमीद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी ने इंकशाफ किया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और इन्हें बताया गया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए अगर इलेक्शन होते हैं तो आज तक के सर्वेस के मुताबिक 100% यकीनी है कि कुछ नहीं हो सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की कामयाबी 100% आज तक के सर्वों के मुताबिक यकीनी है, कुछ नहीं हो सकता। सीनियर सहाफी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के इलाके में सर्वे करवाया गया है और इसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान 13 जमातों के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़े तो अली अमीन गड्डापुर के मुकाबले में आधे वोट भी नहीं ले सकते। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो इब्तदाई खबरें आ रही हैं वो अली अमीन गड्डापुर के मद्दे मुकाबल आधे वोट भी नहीं ले सकता जो उस इलाके से स्पेशल सर्वे कराया गया। आरिफ हमीद भट्टी ने मजीद इंकशाफ किया कि इमरान खान 2-3 दिन पहले एक तकरीर करने लगे थे लेकिन फिर अहम हलकों की जानिब से इमरान खान को एक पैगाम भेजा गया कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफी के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इदारे मेरे हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, करता रहूँगा और करता हूँ। इमरान खान को अहम हलकों की तरफ से पैगाम गया है कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने की मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी का कहना है कि इमरान खान के साथ मामला तय हो गए हैं, इन्हें गारंटी दे दी गई है इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो जाएंगे और पीडीएम को भी कह दिया गया है कि हम आपको इलेक्शन नहीं जितवा सकते, अब आवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है, मेहरबानी करें इलेक्शन करवाने की तरफ आएं, ये इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क बहुत ज्यादा नुकसान की तरफ जा रहा है।